आज हम बनाएंगे स्टफ्ड पराठा चने के दाल से। चने के दाल से ये स्टफ्ड पराठा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसको बनाने के लिए चलिए अभी देखते हैं कैसे बनता है ये। एक बोल, मीडियम साइज़ बोल का चने का दाल लेंगे, उसको धो के बढ़िया से, उसमें उसको बॉईल करेंगे हल्दी और नमक के साथ में। उसको बॉईल करेंगे 5-6 सीटी आने तक, उसको बॉईल करेंगे पहले, फिर उसके बाद में उसको खोल के ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते समय उसमें थोड़ा हींग, जीरा, हरी मिर्च डाल के, और नमक ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है बॉईल करते समय, तो इसलिए नमक नहीं डालेंगे। उसको बढ़िया से बॉईल करने के बाद में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके फिर उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी फिर आटा रेडी करेंगे। आटा में थोड़ा सा नमक, थोड़ा हाफ टी स्पून नमक और वो 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसको बढ़िया से आटा को बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर जो ये बना के रखे हैं, जो ग्राइंड करके दाल को रखे हुए हैं, उसको फिर आटे के अंदर ऐसे रोटी से थोड़ा सा बड़ा बोल बनाएंगे। उसमें अच्छे से आटे को, ये दाल को भर लेंगे। भर के अच्छे से देखिए उसको बेल लेंगे। बेल के बढ़िया सा पराठा सेकेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और एकदम ये ट्रेडिशनल फूड है, नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशनल फूड है ये। आप देखेंगे जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी ऐसा बहुत स्पेशल ओकेज़न होता है, तो उस पे ये दाल के का पराठा बनता है। इसको आप खीर के साथ और ऐसे कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जैसे क्या कुमड़े के सब्ज़ी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। फिर कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी जैसे ओल की सब्ज़ी या फिर और भी किसी चीज़ की, तो खाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और टेस्टी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करिएगा।